भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र जीतू चित बड़गांव बागी बलिया बिरहा सुने वाला सब भैया लोगन के हम पैर छुके प्रणाम करत बानी। सबसे पहले भारत की जबाज बेटी बहादुर बहनाम मनीषा को हम पूरे पार्टी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अये बाबू जवन हम बिरहा गावे जात बानी ई बिरहा का नाम बा यूपी हाथरस गैंगरेप उर्फ मनीषा हत्याकांड। आशा ना बल्कि पूरा विश्वास पाए भैया कि वह बिरहा क्रमा सबे सुनब तो वह प्यार आशीर्वाद हमके देव जवन हर कैसेट में है जितेंद्र जीतू के दहीला। आखिर क्या हो रहा है इस वतन में, कवि की कलम संभाल करती है भूमिका में कहना है कैसे हरे राम भैया। अरे हवस की अरे हवस के आग में जल रहा है वतन, अरे दीन दुखियों की कसती है मजदार में, अरे भ्रष्ट सरकार में भ्रष्ट कानून है, अरे रोज छपती खबर आज अखबार में, आज बेटी बहन बेकदर हो गई, कोई है मददगार संसार में, कहे जी तू ओ पिए क्या हो रहा, डोलती है धरा पाप की भर से, बिरहा में एगो नई नई कवाली का टुकड़ा लगल कैसे सामने भैया आवा। किसी शायर ने कहा है क्या कहा है, अरे ऐसा अरे ऐसा पहेली अरे ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, जो ऐसा पहली रिकॉर्डिंग पर बैठे हमारे बड़े भैया शेखर जी, जरा गौर फरमाइएगा। हमको किसी से प्यार हुआ है, सवाल करती है किसे सवाल करती है हमारे देश के हमारे भारत के राजनेताओं से। जहां मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिरकार उनका नारा कहां तक सिद्ध हुआ, कहां सुरक्षित है बेटी, कहना है क्या। अरे कब तक बेटी अरे कब तक बेटी अजुल्म सहेगी, जुल्म सहेगी, कब तक बेटी अरे जुल्म सहेगी,
कब तक ऐसी मौत मरेगी, कब तक ऐसी मौत मरेगी। अरे बाबू, ये हमेशा कहानी के शुरुआत भइल कैसन कहानी बा, कहाँ की कहानी में भैया नजम में भाव लगल कैसे? दौलत के भूख मान को हैवान बनाती है, ईमान को दफन कर बेईमान बनाती है। खादी व खाकी वर्दी बदनाम हो गई है, खादी व खाकी वर्दी बदनाम हो गई है, भारत की नीति नियम नाकाम हो गई है। सृष्टि की रीढ़, सृष्टि की रीढ़ जग में बेटी मानी जाती है, सृष्टि की रीढ़ जग में बेटी जानी जाती है, सृष्टि की रीढ़ जग में बेटी जानी जाती है, सत्य अनुसूय लक्ष्मी बाई मानी जाती है। थाना चंदपगाव बुलगड़ी की बात सुनो, थाना चंदपगाव बुलगड़ी की बात सुनो, दलित के आबरू के साथ हुई घात सुनो। अरे बाबू, पहले कहानी की समझ ले। उत्तर प्रदेश में जिला हाथरस, गांव का नाम बताया गया बुलगड़ी, थाना चंदपा। उस बुलगड़ी गांव में लंबी चौड़ी बस्ती है, 6 से घर लगभग ठाकुरों का बताया गया और लगभग 100 घर ब्राह्मणों का बताया गया, और उन्हीं लोगों के बीच में एक दलित की बस्ती है, और उस दलित की बस्ती में एक वाल्मीकि परिवार रहता था। बाबू का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि बताया गया, पत्नी का नाम आशा देवी बतावल गई। भगवान गोद में 2 ठेवला दिले हुआ, एक ठी बेटा एक ठी बेटी, बेटवा का नाम सतिंदर बतावल गई, एक ठी बहुत प्यारी बहुत ही सुंदर बिटिया बा, जो बिटिया का नाम मनीषा बताया गया। अरे बाबू, बेचारा खेती किसानी कह के अपन जीवन यापन करत हुवन, समय के चक्र हमेशा चलत रहला, कब का हो जाए केहू ना जानत बा। बिरहा में वो गीत लगल, कौन गीत मास्टर? ए रविंदर भैया, कोनो नया नोचर कन्या ससुरा से लौट कर नैहरे में गई, ओखर सखी सलेहर घेर ले ली, सकली सखी काये सखी, खूब बढ़िया से सुहाग रात मनल है न, अरे जीजा खूब तो हके मानत रहा है ना, खूब खाइला है तम। उ दुल्हनिया बतावे, का बतावे भैया? तनिको कमारी Yeah.
बताई बात सखिया, आ कैसे बताई बात सखिया रे, पिहिया बात नहीं खे, कैसे बताई बात सखिया रे। कभी जो परिवार के दिनचर्या को ऊपर भाव निकलन का, बिनवा गरीबी में गुजार रहले है, बेटावा बिटिया मनीषा साथ बेटावा हो सतेंद्र दुलार रहले, हंसी खुशी परिवार बाए भैया, मेहनत मजदूरी कई के अपन परिवार के जीवन यापन करत हो, लेकिन खुश हुआ। कहना है क्या बाबू ओम प्रकाश घर के, बाबू ओम प्रकाश घर ही करे खेती बारी, पूरा घर के जिम्मेदारी, खेती तब टले बा लेकिन साइड से वो काम खेले होन बाबू, चौआ बनाई तब दुआ रहो ले, चक्र चलत रहला कब का हो जाए केहू नहीं खजानते पंचो। उ दिन का रहल 14 सितंबर, 14 सितंबर के दिन उ मतारी अपने बिटिया मनीषा के ले के सिवान में घास करे बदे चलल, सिवान में घास करे बदे चलल, त कैसे चलल एगो बिरहा में गीत पर रविंदर भैया तनी बजा के आवत, आय
है क्या बात है, कोनो दुलही के दुल्हा रात भर कहीं दूसरा जगह बिता दिल, भोरहरी के बेला में घर में हो ली गई, जब समय खत्म हो गई जाके दुलही के खोद खाद करे लगल। वो दुलहिया समझावती है, कहती है कैसे, साझी से नाच देखे गैला बारात में, हे हर तूता निहर छोड़ी रात में, साझे से नाच देखे गैला बारात में, भइल बाड़ा हे हर तूता निहर छोड़ी रात में, ओनी एक देला भोरा हरिया हो भोर घरिया हो, ना जानी देख के तू अइला का कहिला, ना जानी देख के तू अइला का कहिला, मीठा मीठा बोथे कमरिया कहना बका केहू ना जाने भैया विधि के विधान हो, काल के ना कैल से आईजा, काल के ना कैल से आईजा केहू पहचान हो, चलनी सिवनिया हो, एक दिन मनीषा के साथ लेके माई, माई मनीषा के लेके सिवान में घास करीब चलल, तब तक रास्ता में भेंट भइल, केकरा से भेंट भइल, उ बेटवा सतेंद्र से, उस सतेंद्र से माई कहत बेका, बेटा वस मांगई कहली सुनाई, बेटा वस माई कहली सुनाई, दुई घंटा बाद तू ही आई, हाय बेटा माई कहत बाड़ी हो कि आगावा चलली सिवनिया हो, एक दिन मनी साथे साथे लेके माई, वाह क्या बात है, क्या बात है, माई बेटवा सतेंद्र कलश बचवा घास घरे बदे जात ही जा, तनी एक दो घंटे के बाद तू हूँ चली यहाँ, अरे बाबू दोनों मतारी बेटी सिवान में जाके घास करे लगली, घास गढ़ के तैयार के लिए ज्यादा घास गढ़ दिहली, बेटवा सतेंद्र गई, दोनों मतारी बेटी बांध के घास उठा दिली, बचवा लेके जा फिर दोबारा आई है, सतेंद्र घास को लेकर के घर पर आता है, तब तक देखे मेरे साथी बार भगवान तेरी भी लीला गजब की है, दोनों मतारी बेटी घास गढ़त है, घसिया गढ़त 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 लगभग एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर चली गई, 100 मीटर की दूरी पर माँ और बेटी हो जाती है, तब तक उसी बीच में एक ठे घटना घटल, कौन घटना घटल भैया, बिरहा में गो भोजपुरी के एकदम नई नई गीत बा जौन गीत के, हमार परम मित्र पूर्णवासी भैया
रसिंदर भैया ईश्वर चंद और हमार चाचा जी राजू चाचा के बड़ा ही पसंदा गीत है। ऐसे ही विराह में गीत के राखे पड़ल कौन गीत मास्टर अरे टिकावा करे लारू झूलू चुड़िया अरे टिकावा करे लारू झूलू चुड़िया में नरमी जा रहट के सुताए राजा वही बीच में गांव के ही चार बदमाश चार आवारा किस्म के लड़के वही सिवनिया में बैठल हुए उ चारों का नजरिया के खराब पड़ल कैसे चारों कमीना बैठल रहले चारों कमीना बैठल रहले गइल मनसा पे नाचरी अरे चारों कमीना बैठल रहल गइल मनसा पे नजरी लगे आई गइली हू पपिया करे लगल जा बहरी लगे आई गइली हू पपिया उचारो पपिया लगी आगिलन भया की बिटिया मनीषा से छेड़खानी करी शुरू कैलन पंचो छेड़खानी करत हुन कैसे करत हुन चढ़ल जवानी करी कमर कमानी चेहरा के पानी चारों के ऊपर छावे लागल देखब के बादरी में आ गए छेड़खानी करी चालू किलन यार हाँ तो गजब की चीज बा यार टीका टिप्पणी करने लगते हैं बाबू मनीषा डांट करके के बात कहती है ए पापी क्या तुम लोग घर माँ और बेटी नहीं है क्या तुम लोगों की बहन नहीं है ए बाबू जब इतनी बतिया चारों सुनलन वो बेमनवा हसत कलन करे पगली दुनिया में लेकिन के तो कमी ना है लेकिन तोहरा जैसन केहू नहीं खे अरे बाबू पपिया केलन का हो विदेशिया में भाव लगल कैसे भाव लगल मास्टर अरे तुरंत कमी ना पापी अरे धोईली कलैया हो अरे मुहावा दबा
गईली की अरे गईली जुनरिया आ बारी बारी चारू मिल के अरे लूटा ले जतिया हो अरे रोवेली मनीषा गेरलास अरे गम के बदारिया ए बाबू वह बेईमान सबसे पहले तो उ मनीषा बिटिया के दुपट्टा ले कुकरे मुंह के बंद कर दिलन मुंह में ठूस दिलन हो कलाई पकड़ के और बगलिए में जोंधरी के खेत रहल वही जोंधरी में लेके चल गिलन। अये बाबू वह बेईमान वह नीच कमीना बारी बारी से अपने मुंह को काला करते हैं। अज मनीषा की जतिया लूट लिहलन ही पंचो इज्जत की भीख मांगती रह गई वह मनीषा। दिल में दया नहीं आया बारी बारी से इज्जत लूटने का काम करते हैं। तब मनीषा बैठ गई रवत में भैया भैया का किला भैया तब पपिया किलन का अरे सबूत मिटावे खातिर अरे पापी तब बिचारी कैले अरे मार के मुआवल चाहे अरे पापी ओई घरिया। चारू पपियन के जब प्यास बुझ गई हो मनवा में सोचे लगलन कि अगर एक जिंदा छोड़ दे थे जाम तो कुछ भी हो सकता है इसे मार दिया जाए। चारू पपिया ये सोच के वही जोंधरी के खेत में मनीषा के मारे लगलन। आज मारे लगलन ये बाबू तब हथवा जोड़ के मनीषा रो रो के उचारू पपियन से हमारी देश की बिरंगना एक बात कहती है। क्या कहती है भैया सोरठी में भाव लगल मनीषा रोत में रो रो की कहलस कहा कलस भैया तरोवे ले मनीषा कारे पापी से या राजिया यारे पापी से या राजिया रोवे ले मनीषा कारे पापी से या राजिया यारे पापी से या राजिया छोड़ी दा जा जाना हमारन मेरा किया हो रामारे अरे बाबू वो भारत के बला अपनी आन आबरू हाथ में लेकर के रो रही कहती कि भैया आपन वाली तो कई नहीं हला आपन वाली तो कई नहीं हला जे भैया अब हमके मरने से तो हम लोग का फायदा मिलत तो हमके छोड़ दे जा भैया। कहत बिका लूटी ली हला भैया मोरे इज्जत के गठरिया अरे इज्जत के गठरिया पैबका तू जानाव के मारनु राम किया हो रामारे देखा ये पंचो दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज है सबसे अगर सबके अगर कोनो चीज से ज्यादा प्यार है तो अपन प्राण है। जान से सबके हो प्यार करेला ये भैया जहाँ जान देवे के बात आ जाला
लोग कुछ भी करे पर तैयार हो जलाव है। बेटी कह रही है, क्या कहती है भैया? केहू से ना कहब कब कुछ ना बताई बुआरी, केहू केहू से ना कहब कब कुछ ना बताई बो यार कुछ ना बताई बो। किया हो रामा रे तब पपिया सुन लेना पुकारन बिटिया अपनी जिंदगी की भीख मांगती रह गई, फिर भी वह चारों बेईमान के दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। वह बेईमान नीच कमीना करते क्या है मेरे दोस्तों? कटले जबनिया पापी दादी लन नटाईया रे दाबे लन नटाईया, कटले जबनिया पापी दाबे लन नटाईया यारे दाबे लन नटाईया। किया हो रामारे आ हो ही गईले पापिया हरारन पपिया मनवा में सोच गिलन अगर ये जिंदा रही तो हमनी खातिर मुश्किल हो सकेले। अरे बाबू मारे लगलन हो वही खेत में मारे लगलन, ऐसन मार मरलन ऐसन मार मरलन। अरे बाबू वह बिटिया मनीषा के कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, शरीर एकदम तहस नहस हो गई। ए तने ना ये पंचो ए तने ना पपिया एगो और काम किलन, वो बिटिया मनीषा के जवनियों काट दिहलन, मतलब अपने जाने में मुआवला से तनिको कसर ना छोड़लन। अरे बाबू वह मनीषा बिटिया बेहोश हो गई, बेहोश हो जाती है, चारों पपिया समझ गलन, लगत था कि मर गए, मरल जाद के चारों पपिया फरार हो गिलन। आ जब फरार भइलन बाबू हर मतारी घास गरत जब ध्यान चढ़ल करी भाई बेटी मनीषा कहाँ गई, अपनी बिटिया मनीषा के खोजत खोजत जब वो जोधरी के खेत में माई गई हो, आ जब अपनी बेटी के ई दशा में देखल सारी बाप बाप माँ अबाक हो जाती है। अबाक जितने काटल पेड़ अरराय के गिरे लाई भैया माई पछाड़ खाई के अरराय के गिरे लगल, अरे बेटी हो बेटी ई का हो गई बेटी ई तुहार का हो गई। माई रोवत में गाँव के लोग दौड़ल एलन, पीछे से भाई सत्येंद्र भी आता है। तब उस समय देखा भैल का टेरी में भाव लगल, कैसे मास्टर अरे अबला की, अरे अबला की, अरे यति मारुती रह गई हूँ, अरे अबला की अतमरोती क्यों अबला की, अरे यति मारुती रह गई, अरे जीवन जहर बनल दुर्दशा बहन की होती, अरे हू होती अरे हू होती, अरे जीवन जहर बनल दुर्दशा बहन की होती, अबला की आत्मा रोती रह गई। माई रोवत बे लोग गांव के लोग मिल के अपने क्षेत्र के अस्पताल में लेकर के जाते हैं, लड़की बेहोश है मनीषा बेहोश है। उसके बाद
वहाँ के डॉक्टरों ने इनकार किया। तुरंत यहाँ आनंद फानंद में गांव के लोग मिल करके उस पीड़िता को, उस बच्ची को घटना के बाद अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया। फिर वहाँ से लोग उस बिटिया को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट किए। अरे भाई, अरे बाबू, इलाज होके लगल। आज भी इलाज होत भाई पंचो, पिटिया भी होश बा। वो बुढ़िया मतारी आशा देवी अपनी बेटी के पास में बैठ कर रोत बे और रो के एक बात कहत बे, का कलश भैया? अरे बोला दे तू बेटी, अरे बोला दे तू बेटी, बोल दे तू, अरे बोल दे तू, बोल दे तू ये बेटी, बोल दे तू। माई तोहरी खड़ा बेसमनव नया नवाया पनी बेटी। अखिया खोला बेटी, तने मुहावा से कुछ बोला है बेटी। उठा एक बेरी तो हके, अरे उठा एक बेरी तो हके, कसम बाट माई के नमवा बता दा खाली पपिया कसाई के। माँ की दुआ भगवान सुन लिए। 9 दिन के बाद हुआ क्या, पहपट में भाव लगल। किसे मास्टर? अरे 9 दिन के बाद होश बयाई ला बिटिया बोलत बे, अरे 9 दिन के बाद होश बयाई ला बिटिया बोलत बे, अरे परिवार के दिल में खुशी समाइल बिटिया बोलत बे। पूछताछ को मजिस्ट्रेट तब, अरे अस्पताल में आई ले होम, अरे रामू लव कुसी संदीप, अरे अभी ठाकुर तब पकड़ ले होम, अरे चारू पपिया पकड़ के थाने आई ल बिटिया बोलते बे, अरे यह वरस सुगन पिजरा छोड़ पर आई ल बिटिया बोलते बे। 9 दिन के बाद उस हॉस्पिटल में बिटिया का होश आता है। होश आता है, खबर को सुनकर के जिला के मजिस्ट्रेट साहब आए, बयान लिखने लगे। बिटिया साफ साफ 4 पापियों का नाम बता देती है। पहला संदीप, उसके बाद लवकुश रामू और रवि ठाकुर, चारों के चारों पकड़े गए। ओहर के बतिया ओहरे छोड़ा देखा पंचो, हर बिटिया जिंदगी और मौत से जूझते 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 जूझते
लड़ते लड़ते एक दिन बिटिया की हार हो गई। बिटिया ही दुनिया को, इस संसार को छोड़ करके चल बसी। आज बिटिया ही दुनिया को छोड़ के गई ले पंचो, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आने लगी, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। यहाँ तक जन जन से लोग आवाज देने लगे, आए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, आए मोदी जी, आप लोग कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है मेरे दोस्तों। आज भी हमारे हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख महिलाओं का केस पेंडिंग पड़ा है, और उन 3 लाख में 33,000 बलात्कार का केस पेंडिंग पड़ा है। बताइए इससे क्या होगा? उस बलात्कारियों के हौसलों को क्या होगा? सरकार तो दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान कहां तक सिद्ध है मेरे दोस्तों? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, यह राजनीतिक मंच नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता मेरे दोस्तों, लेकिन एक गायक होने के नाते मेरा कहना फर्ज है। आवाज आ रही है जन जन से, अल्लाह में भाव लगल कैसे मास्टर? कि हाय राम, अरे सोने के चिड़ैया, कि सोने के चिड़ैया भारत, अरे देशवा का गाला बाबू, जीवन देशवा में लिहल कृष्णिया बताया, राम जन्म भूमि जवन अरे धरती कंगाले बाबू, उहे धरती पे आज होला अत्याचार, अस्मिता वतन के आज अरे खतरा में पड़ल पंचो, हिंदू नेता खुद के मोदी अजोगी जी बतावे बाबू, ये गाली खलबा हिंदू धर्म में तो अमाई मांग तराई गईली अरे बिटिया के लसिया साहब, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश में बैठे हुए योगी जी को, आप लोग अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा नेता समझते हैं, हिंदू धर्म का नेता कहते हो कि हम लोग हिंदू धर्म का नेता हैं? क्या आप लोगों के हिंदू धर्म में यही लिखा गया है? हिंदू धर्म में साफ लिखा गया है सूर्यास्त होने के बाद अर्थी को दफनाया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उस बिटिया मनीषा को 2:30 बजे रात में जलाने का काम किया आपकी पुलिस प्रशासन ने। यह भी धर्म में लिखा गया है कि जिसकी मृत्यु होती है उसके परिवार के लोग मुखाग्नि देते हैं, या तो बाप देता है या तो भाई देता है, लेकिन ये नहीं हुआ, आपके पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुखाग्नि दिया। क्या यही आप लोगों का धर्म है? क्या यही सिस्टम है हिंदुस्तान की? आखिर में मेरे साथियों, पूरे जन जन से हिंदुस्तान के कोने कोने से एक आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है कहना है कैसे मास्टर? अरे हो क्या बेवस सा
हमार से आसिया अरे जनता मांगे आजी दोषी के चाहता बे फसिया लोगों ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, क्या यही नारा है आप लोगों का कि सबका साथ सबका विकास? कहां हुआ है विकास? आज भी ऊंच नीच के भेदभाव में हिंदुस्तान जल रहा है, तो कहना है क्या? अरे कबले गरीब साथे, अरे होई अत्याचार हो, अरे कैसन बाटे जोगी जी तो अरे सारा अरे जंगल राज भैल उपी अरे गम के बजे बांसिया अरे जनता मांगे आज दोषी के चाहत बे फसिया कुसुम प्राग स्वामी जदुगुरु भोला पूज हमारे बाला सुरेंद्र काशी संकब गंगा रंग पसारे अरे यबला की आत्मा रोती रह गई अरे यबला की आत्मा रोती रह गई अरे जितेंद्र ओम प्रकाश पूज हल जीवन के ज्योति यबला की आत्मा रोती